बालू का खेल दिखाते हैं, नदियों से बालू खनन और बालू की तस्करी का काला कारोबार बगोदर सरिया अनुमंडल में बेरोकटोक जारी है। यहां पुलिस की नाक के नीचे यह धंधा चल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। और बालू की तस्करी का काला कारोबार बगोदर सरिया अनुमंडल में बेधड़क चल रहा है। अनुमंडल मुख्यालय में बेरोक टोक चल रहे अवैध खनन के साथ साथ अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय और थाना के ठीक सामने की सड़क से बेखौफ होकर रोजाना सैकड़ों ट्रैक्टर बालू की तस्करी के लिए निकलते हैं। अब जब खुलेआम बालू तस्करी का खेल चल रहा है तो ऐसे में प्रशासन की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लोग मामले में स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार की भी किरकिरी कर रहे हैं। बालू के खनन में पूरे सरकार के जो पूरे विभाग हैं वो लगे हुए हैं, उसमें पूरे इनके पदाधिकारी हैं और डेली यहाँ से 200 गाड़ियाँ बालू, 300 गाड़ी लगभग जाती है और उस गाली के बालू को डंप कर और अन्य प्रांतों में भेजा जाता है। सरकार का कोई ठोस नियम नहीं रहने के कारण माफिया और पदाधिकारियों को इसका लाभ ले रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक इस सड़क से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर हर दिन अवैध बालू ले जाते हैं, पर प्रशासन सब कुछ जानकर भी मौन है। ऐसा नहीं है कि अनुमंडल की पुलिस सुस्त है, अक्सर बगोदर और सरिया की सड़कों पर वाहन जांच, बाइक जांच और हेलमेट जांच की जाती है। सैकड़ों बाइक चालकों को बिना हेलमेट या बिना कागज के चालान कटाने पर मजबूर होना पड़ता है, पर इसी सड़क से बिना किसी कागज के, यहाँ तक के बिना नंबरों के भी ट्रैक्टरों से अवैध बालू का परिवहन चलता है, पर पुलिस उधर से आंखें मूंद लेती है। बड़ाखड़ नदी से बालू का उठाव आए दिन होते रहता है और हम लोगों ने पूर्व में भी छापामारी करके, अगर माइनिंग चलान नहीं है तो उसको, या गाड़ी का कागजात नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हम लोगों ने कार्रवाई किया है। फिर जो है सो बालू का परिवहन जो है बढ़ गया है, हम लोग फिर इस बीच में कार्रवाई करेंगे। थाना पुलिस बल के माध्यम से छापामारी की कार्रवाई की जाती है, लेकिन वो इतना सफिशिएंट कारगर नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। सरकारी योजनाओं में भी बालू का खपत हो रहा है, सरकार के कई कार्यों में बालू का खपत हो, मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं उस समय, पुलिस को अकेले छापामारी करना कठिन होता है क्योंकि बालू या पत्थर की छापामारी में मजिस्ट्रेट या फिर माइनिंग विभाग का पदाधिकारियों का होना आवश्यक है। सरिया के उरा बालू घाट, बागोडी हरदिया घाट, बराकर नदी घाट, पूर्णिडी घाट समेत अन्य घाटों से बेतहाशा बालू का उठाव जारी है और सरिया बगोदर होते हुए विष्णुगढ़ के एजेंसी संपर्क कर बालू की सप्लाई की जाती है और बालू डंप कर दूसरे प्रांतों तक इसके तस्वीर का खेल चल रहा है। रोजाना हो रहे सैकड़ों ट्रैक्टर बालू उठाव से जहां सरकार को खुलेआम चूना लग रहा है, वहीं बालू माफियाओं की चांदी कट रही है। पदाधिकारी मामले में एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। पुलिस विभाग मामले को राजस्व विभाग की ओर धकेलता है तो वही राजस्व विभाग सुरक्षा के नाम पर पुलिस पर ठीकरा फोड़ देता है। इस मामले को लेकर जब मीडिया की ओर से अनुमंडल के बड़े अधिकारियों से पूछताछ की जाती है तो कहा जाता है कार्रवाई होगी, जरा इंतजार करें, लेकिन सवाल है कब तक। रोजाना पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे सैकड़ों ट्रैक्टर बालू की अवैध तस्करी होती है। एक ओर जहां राज्य सरकार पर विपक्ष बालू की तस्करी को लेकर लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी ओर बगोदर सरिया अनुमंडल में प्रशासन के नाक के नीचे बालू की तस्करी का खेल धड़ल्ले से जारी। सहयोगी आदित्य के साथ में बिट्टू, न्यूज 11 भारत, बगोदर।